भर्ती होते थे वही सेम प्रोसेस है, वही सेम वही। और फिर उसको सुनो, ये सब पेंसिल मिल रही है, सारी सुविधा मिल रही है, कैंटीन कार्ड इनको मिल रहे हैं, सारी हॉस्पिटल सुविधा मिल रही है, हमको क्या मिल रहा है? निवीर को कुछ नहीं मिल, क्या मिल रहा है बताओ? शहीद का दर्जा नहीं दे रहे आप, इस शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। यस सर, मैं ये नेता की उम्र कितनी है नेता बनने तक की? 75 साल तक, आराम 75-80 तक बनो। और हम 20 साल में हो रहे हैं, मतलब हम इनसे ज्यादा शिक्षित हैं। हम एक बार बताओ, ये 5 साल 75 साल तक नौकरी करे, हम 5-4 साल में हो रहे जाओ, फिर क्या मतलब अग्निवीर को? आर्मी का मैं खुद सोल्जर हूँ, 20 साल सर्विस करने के बाद आया हूँ। आर्मी के अंदर जो भाई आर्मी से नॉलेज रखते हैं, एक अगर वैकेंसी खाली होगी तो एक उसकी जगह आएगा, ये होती है। मोदी जी ने एक की जगह 4 ले रहा है, कोई मतलब आर्मी जो बोल रहे हैं कि अग्निवीर चल गई है, आर्मी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक की जगह एक भर्ती, 3 एक्स्ट्रा गए हैं, 3 एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं थी लेकिन मोदी जी ने क्रिएट की है आपके लिए। तो 4 साल बाद अब सुनो साहब, अब मैं रिटायरमेंट आया हूँ, मेरी जगह एक ही खाली होगी। 100 बंदे अगर महीने में आ रहे तो 100 ही भर्ती होंगे। मोदी जी ने कहा 100 की जगह 300 भर्ती करो, 400 भर्ती करो, 100 तो आप करेंगे परमानेंट, 3 है उसके अंदर भी का परसों का बयान पढ़ लेना रक्षा मंत्री राजनाथ जी का। उन्होंने बोला हम अग्निवीर पे अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, हो सकता है उसको 50% कर दिया जाए। और मैं ये कह रहा हूँ साहब, अगर 50% ना करें, मैं मुद्दों पे जो 75% है कि 75% को आउट करेंगे 4 साल बाद। अभी नहीं, मत करो साहब, एक मिनट साहब, वो नहीं करेंगे। आपकी जो ट्रेनिंग हुई, वो ट्रेनिंग हो रही है? अरे साहब एक मिनट, वो नहीं करेंगे, वो तो जो बोल दिया 75% आउट करेंगे। का युवा है ये दुखी बता रहे हैं कि अग्निवीर से नहीं, जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपकी जो ट्रेनिंग हुई है, आपकी जो 18 महीने ट्रेनिंग हुई है अग्निवीर में, क्या क्या लाभ है आप मुझे बताओ? सुनो साहब, एक 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 वैकेंसी थी इंडियन आर्मी में, आप आर्मी में हो, आप आर्मी में हो, आपको आर्मी कार्ड मिल रहा है, मिल रहा है आपको, सारी सुविधा मिल रही है आर्मी की, अग्निवीर को क्या सुविधा मिल रही है? आप मैं बताता हूँ साहब, अग्निवीर को, अग्निवीर अभी आप बोलो मत, अग्निवीर सेम, अग्निवीर एक योजना है जिसके थ्रू इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में बनने जाएंगे, मतलब वो वहाँ पे हमारे सैनिक है। अग्निवीर को ये नहीं कि बनिया की दुकान है, पहले तो आप ही अग्निवीर को ऐसे कम बता को, अग्निवीर के थ्रू जो चलाइए उसमें क्या है कि हम देखो साहब सीधी मैं कुछ खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन अग्निवीर चलाइए तो ये सोचो कि 4 गुना लोगों को क्यों लिया गया है। मैं आपको खुल के बताऊंगा। अरे साहब अभी सुनो, अपने भाई को संतुष्ट करता हूँ साहब, नहीं सुनो एक मिनट बाबा, ऐसा नहीं बोलना, अगर आप अगर एक मिनट बाबा, पूरा वो करके ना, हाँ फिजिकल करके, और रात को 12 बजे वोट लगाते हैं जब जाके भर्ती होते हैं। साहब अभी सुनो, जैसे पहले भर्ती होते थे वही सेम प्रोसेस है, वही सेम वही। और फिर उसको सुनो, ये साहब पेंसिल मिल रही है, सारी सुविधा मिल रही है, कैंटीन कार्ड इनको मिल रहे हैं, सारी हॉस्पिटल सुविधा मिल रही है, हमको क्या मिल रहा है? निवीर को कुछ नहीं, क्या मिल रहा है बताओ? साहब शहीद का दर्जा नहीं दे रहे आप, इस शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। यस सर, मैं आपके भाई को संतुष्ट करता हूँ। सुनो साहब, 4 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक बता रहा हूँ, आप संतुष्ट हो तो बताना मेरे को, और सारे सुन रहे साहब, 3 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा को रोजगार दिया है। अगर साहब सुनो, यहाँ पे सब खड़े हैं जवान लड़के हैं, आप अगर फौज के लायक हो तभी अग्निवीर योजना में जा रहे हो, तभी जा रहे हो आप, डॉक्टर MBBS कर रखे तो नहीं जा रहे थे? अब ये भाई साहब बोल रहे अग्निवीर, अग्निवीर क्या, आप फौज के लायक थे, आप फौज के इच्छुक थे, अगर वो एक की जगह एक ही भर्ती करता तो आप फौज में नहीं जा पाते। तीन आपसे पहले सुनो, उसने क्या क्या, सुनो साहब, आपका दिल का सपना था कि यार मेरे को वर्दी चाहिए इस तन पे, अब एक फिर आपकी सुनेंगे सर, मोदी जी ने आपका सपना पूरा किया, एक वैकेंसी की जगह 4 वैकेंसी क्रिएट की, 4 डाली, एक मिनट साहब आपकी सुनेंगे, अभी एक मिनट सुनो ना यार, नीचे पत्थर में आप, एक की जगह 4 लिए, आपका सपना पूरा हुआ, आप सोचो एक उसमें से रुकेगा जो परमानेंट है, आप सुनो, आप तीन सपना है, फिर आज सुनो 3 साल बाद, अब सुनो आप क्या सपना देखा, मतलब इतना जाना नहीं है इसने, फिर अभी सपना पूरा भी नहीं हुआ, आप ट्रेनिंग करोगे वो प्रॉपर सोल्जर होगा, मुझे नहीं पता मैं रहूंगा, इसको नहीं पता मैं रहूंगा, इसको अब सुनो, जाके गोली चलाएगा, अब देखा देख ले, अब इन्हें मन के क्या करेगा, अब इन्हें क्या क्या कहा, इनकी सोच देख लिया कि बाहर जाके फिर वो फौज से जो आएगा वो, सुनो साहब एक मिनट, यहाँ पे जितने फौजी होंगे यहाँ पे खड़े होंगे और कितने लोग आए होंगे, एक फौजी को बताओ जो आके यहाँ पे गैंगस्टर बना हो, ये जो बगैर फौज का ये बगैर यहाँ पे जो गुंडे, हम भी पगली में जा रहे हैं अग्निवीर के लिए, तो नाराजगी है लोगों है, है, मैं उसके मैं उसकी हमारी सुन, ये नेता की उम्र कितनी है नेता बनने तक की? 75 साल तक, आराम 75-80 तक बनो। और हम 20 साल में हो रहे हैं, मतलब हम इनसे ज्यादा शिक्षित हैं। हम एक बार बताओ, ये 5 साल 75-75 साल तक नौकरी करे, हम 5-4 साल में हो रहे हैं, फिर क्या मतलब अग्निवीर को?
ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।